हाय दोस्तों, नमस्कार। हम बता रहे हैं आज कि सबसे पहले आपको मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे कि हम सर्च करें इंसान पीडीएफ सर्च कर रहे हैं। इंसान पीडीएफ सर्च कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देंगे। आपको ध्यान से देखना है कि आपको आपको इंसान पीडीएफ दिखाई दे रहा है। आपको ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इंसान पीडीएफ मैनेजर कन्वर्ट, इसी को हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। आपको दिखा रहे हैं, जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ इमेज टू पीडीएफ, आप अपनी फ़ोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, एड्स आ गया, तो आप इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे कि हम इस फ़ोटो को बनाकर किसी भी दिखा रहे हैं, फ़ोटो को क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आ गया यहाँ पर सेलेक्ट इमेज क्रेडिट पीडीएफ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम डालेगा। जैसे कि हम कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे कि हम डाल दे रहे हैं संदीप, कुछ भी आप जो भी डॉक्यूमेंट हो वैसी डाल सकते हैं। यहाँ पर करेंगे वैसी, देखो सही का चिन्ह आ जाएगा, ओपन पीडीएफ लिख गया। हम ओपन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह खुल करके आ जाएगी। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहें तो पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, पासवर्ड प्रोटेक्ट पीडीएफ। अगर आप यहां से पासवर्ड लगाना चाहें तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। और यहां पर देखो हम इमेज नहीं चुने हैं, अगर इमेज चुनना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको, आप यहां से देख सकते हैं टेक्स्ट टू पीडीएफ। अगर आप कुछ लिख करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल, हम यहाँ से फाइल के द्वारा भी चुन सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ से लिख भी सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसा कुछ कलर फ्रॉन्ट कलर चेंज करने के लिए पेज कलर फ्रॉन्ट, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखने के लिए टाइप करके लिख सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ से आप व्यू फाइल पे क्लिक करके आप फाइल भी अपनी देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है व्यू फाइल। जैसे आप पीडीएफ यहाँ से, जो आपके पास जितनी पीडीएफ होगी यहाँ से भी देख सकते हैं। पीडीएफ टू इमेज, यहाँ से पीडीएफ को इमेज में आप बदल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एडिट पासवर्ड लिखा हुआ है। एडिट पासवर्ड क्लिक करके यहाँ से हम पासवर्ड किसी भी पीडीएफ में लगा सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर पासवर्ड आपको ऐड करना है तो आप पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको टेक्स्ट या कुछ लिख करके उसमें आपको उसे पीडीएफ बनाना चाहते हैं या उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एड्स आ गए हैं, सॉरी दोस्तों, हम एड्स हटा दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से कुछ भी डिफ़ॉल्ट सेट कर दे रहे हैं, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं फॉन्ट साइज चेंज, यहाँ से कुछ कलर्स है भी डिफ़ॉल्ट ऐसा। सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल, यहाँ से हम सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम कुछ
चुन सकते हैं, जैसे हमने कुछ लिख करके रखा है, सॉरी वी आर अनेबल टू दिस फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लिख करके आ रहा है सॉरी ऐसा कुछ। व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारे पास कुछ भी, ये देखिए हम पासवर्ड यहाँ पर लगा रखा है पहले से। आप चाहें तो ये देखिए हम नीचे पासवर्ड हटा के रखे हैं, आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।